शराब माफिया पिहानी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जयप्रकाश गुप्ता के परिवार पर प्रशासन की निगाह टेढ़ी हो गई है। जयप्रकाश गुप्ता के पुत्र और पत्नी के नाम आवंटित देशी शराब की दुकानों को जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है, साथ ही इन सभी को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया है। जिला अधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि जिले में देसी शराब की 6 दुकानों को निरस्त कर दिया गया है। शराब की दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों को काली सूची में भी डाल दिया गया है। डीएम के मुताबिक छिबरामाऊ और दुर्गागंज में देसी शराब की दुकान का संचालन सुमित कुमार शुक्ला कर रहे थे। अनियमितता पाए जाने पर दुकानें निरस्त कर दी गई। इसके अलावा शहर में बिलग्राम चुंगी और बंद्राहा की दुकान निलंबित कर सौरभ गुप्ता को काली सूची में डाला गया है। कोटकला पिहानी और बरगावा की दुकानों को निरस्त कर वेद प्रकाश गुप्ता, कुंवरपुर भगेल और बरबर मोड़हन पसीगवा को ठेकेदारी की सरिता गुप्ता को भी काली सूची में डाल दिया गया है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। ये जनपद में एक शराब माफिया जेपी गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके बेटे के नाम से संचालित 6 दुकानों पर अवैध और मिलावटी शराब बेची जा रही थी, जिसको जांच कराई गई। तथ्यों के विश्लेषण के उपरांत शासन के की मंशा अनुरूप कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी सभी दुकानों को निरस्त कर दिया गया है। JBD बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।